फ्रेंड्स, आज हम रिक्वच की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। रिक्वच अरुई के पत्ते से बनता है, ठीक है। उसके लिए हमें अरुई के पत्ते चाहिए, इस तरह के, मतलब यही अरुई के पत्ते होते हैं। और उसमें पहले हमको चना दाल, मसूर दाल और चावल इक्वल मात्रा में लेकर इसका अच्छा पेस्ट बनाना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा लहसुन, थोड़ी हरी मिर्च डाल करके अच्छा फाइन पेस्ट बनाना है। फ्रेंड देखिए, ये पेस्ट हमने बना लिया है, ठीक है। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्च, चना दाल, मसूर दाल, थोड़ा सा चावल है। और इसको खट्टा करने के लिए हम इसमें इमली का पल्प डाल रहे हैं, ठीक है। इमली का पल्प या नींबू डालना बेहद जरूरी है। अगर हम नहीं डालेंगे तो अरुई में जो फुलझी करने वाला कुछ होता है ना, वो इमली या नींबू मतलब खट्टा उसको काटता है। अगर हम नहीं डालेंगे तो वो हमको तकलीफ देगा, जैसे हम अरुई छूटे हैं तो हाथ में फुलझी टाइप की हुई। इसमें हम जीरा मिर्च का पाउडर डालेंगे। पेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग बना लें, जो इसमें आपको पसंद हो। बहुत लोग इसमें हल्दी पसंद करते हैं, धनिया पसंद करते हैं, जो आप पेस्ट में पसंद करें वो आप डालें। हम इसमें जीरा मिर्च और धनिया का ये पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। चाट मसाला जो आपको पसंद हो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग पेस्ट तैयार कर सकते हैं। बस इसमें चना दाल, मसूर दाल और चावल और इमली खट्टे में कुछ ये डालना जरूरी है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से मिला लें आप आपस में। अरुई का पत्ता है, इसके जो डंठल है उसको हमको ऐसे काट लेनी है। हमारे पास जितने भी पत्ते हैं वो सबकी डंठल को ऐसे निकाल देना है, ठीक है। डंठल निकालने के बाद आप सारे पत्तों को अच्छे से साफ कर लें, ठीक है। उसके बाद ऐसे बिछाएं, ठीक है। और जो पत्ता सबसे बड़ा लगे आपको उसको सबसे नीचे रखें, ठीक है। फिर आप इसको आप हाथ से अच्छे से पत्ते पे, कहिए तो पेंट कर दें, ऐसे पत्तों पे सब तरफ अच्छे से इसको फैला दें, ठीक है। आप जितने अच्छे से फैलाएंगे ना आपका रिक्वच उतना ही अच्छा बनेगा। मैंने दाल को पत्ते पे अच्छी तरह से लगा दिया है ना। ऐसे ही आपको भी करना है। फिर इस पे दूसरा पत्ता रखें, दूसरा पत्ता को ऐसे अपोजिट करके रखें, ठीक है। एक पत्ता इस तरह से, एक पत्ता उसके अपोजिट से, इसको भी वैसे ही करना है।
ठीक है, आपको कितने लेयर का बनाना है? हमने 3 लेयर का बनाया है, आप 5 का भी बना सकते हैं। ठीक है, आज हमने 3 का बनाया है। आपके जब तीनों लेयर कंप्लीट हो जाए तो आप इसको इस तरह से रोल करें। इस तरह से रोल कर लें आप, उसके बाद फिर दूसरे की प्रिपरेशन करें। आप एक ऐसे पतीली ले लें, कोई देखी ले लें जिसे पानी डालें, ठीक है, उसके ऊपर से आप अपना कोई भी ऐसा स्टील का छलनी हो, ठीक है, उसमें आप अपने सारे जो आपने क्यूब्स बनाए हैं उसको अरेंज कर लें, अच्छे से सेट कर लें, ठीक है, और उसके बाद इसको 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दें। हाई फ्लेम पे आप इसको 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दें। अगर आपके पास थोड़ा सा दाल बच जाता है तो उसको ऐसे किनारे डाल दें, वो भी स्टीम हो जाएगा, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी सामान। देखिए गाइस, ये सारे स्टीम हो चुके हैं अच्छे से। जब स्टीम हो जाएंगे तो ये टाइट हो जाएंगे, हम कोई भी नाइफ की उससे देखेंगे तो नाइफ मेरा बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको अपने मनचाहे शेप में इसको पीस कर लेंगे। देखिए, पतले पतले पीसेस निकल लीजिए, आपको जिस जितने बड़ा साइज रखना है हम अपने हिसाब से। इसे हम डीप फ्राई करेंगे, ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें हम अपने धीरे धीरे करके सारे लिक्विड डालते जाएंगे। इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो ऐसे खाना ज्यादा पसंद करेंगे, पर हम लोग थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा तला हुआ, थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं, इसलिए हमने इसे ट्राई किया। बोले गाइस, देखिए मेरे क्रिस्पी रिक्वेस्ट बन के दम तैयार है। लुक इसका देखिए कितना टेस्टी है, मैंने टेस्ट करके भी देखा है, ऑसम। आप भी बनाइए, आप भी खाइए और हमें जरूर बताइए, ठीक है।